ओके हरे कृष्णा, आप कृष्ण सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है डिस्कवर योर सेल्फ सेशन थ्री में। जैसा कि हमने सेशन वन और सेशन टू में पढ़ा था कि सेशन वन में हमने क्या पढ़ा था कि जो है आत्मा जो है वह इस शरीर की ड्राइवर है। जैसे कार को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, वैसे शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक ड्राइवर चाहिए। वो ड्राइवर कौन है? आत्मा है। और दूसरे सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो पूरा होल यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा वर्ल्ड है, उसको चलाने वाला ड्राइवर कौन है? उस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सुप्रीम भगवान, मास्टर माइंड ऑफ ऑल थिंग्स, लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, ये हमने जो है कल पढ़ा था। तो आज सेशन थ्री में भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो है पढ़ेंगे, जानेंगे, जिससे हम जो है बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे और शॉक्ड हो जाएंगे। डेफिनेटली यू विल शॉक्ड। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। जिन जिन भक्तों को वो प्रार्थना आती है वो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विसे नमो। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो विष्णु। तो आज के सेशन का टॉपिक है मैनुअल ऑफ डिस्कवर द मैनुअल ऑफ लाइफ। ठीक है ना, यही टॉपिक है ना। हाँ, तो मैनुअल हमें क्यों चाहिए, मैनुअल की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि हम क्या कोई भी जैसे हम सामान परचेस करते, कोई मशीन परचेस करते मार्केट से लेकर आते हैं, तो हमको क्या उसके साथ मिलता है? एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल मतलब इसको कैसे यूज करना है, किस प्रकार से हम जो है इसे अपने डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, कार है, बाइक्स है, सबके साथ एक जो है वो मैनुअल होता है ना। तो एक एक गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए प्रभु जी? गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए है ना, या गैस चाहिए? लेकिन चलाना ही नहीं आता तो गाड़ी में पेट्रोल और गैस भराकर हम करेंगे क्या, है ना। तो वो चलाना सीखने के लिए हमको क्या चाहिए? उसका जो है मैनुअल होना चाहिए कि हम किस कैसे जो है गाड़ी आगे जाएगी, कैसे गियर चेंज होता है, कैसे व्हाट इज क्लच, व्हाट इज ब्रेक एंड व्हाट इज एक्सीलेटर, ये सब जो है हमको पता होना चाहिए। तो हर गाड़ी में, हर बाइक में, हर कार में जो है वो मैनुअल दिया हुआ रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि उसे रिपेयर कैसे करना है। तो वैसे ही जो है कॉम्प्लेक्स मशीन्स को चलाने के लिए जो है वो मैनुअल चाहिए होता है। वैसे ही आप खुद सोचिए, ये बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते? कॉम्प्लेक्स है ना, वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को चलाने के लिए हमें मैनुअल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, है कि नहीं? ये जो शरीर है इसमें इतने सारे जो है फंक्शंस है, सर्दी गर्मी बरसात में अलग अलग इसमें इफेक्ट होते हैं, अलग अलग खाने का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग मेंटल सिचुएशंस का इसमें बॉडी में अलग अलग इफेक्ट पड़ता है ना। मानसिक और शारीरिक रूप से जो है हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है परिस्थितियों का जो है सामना करते हैं। तो
जैसे कि कॉम्प्लेक्स मशीन्स को चलाने के लिए मैनुअल चाहिए, उसी तरह इस कॉम्प्लेक्स बॉडी को चलाने के लिए जो है मैनुअल चाहिए। और वो मैनुअल क्या है? हमारे शास्त्र और हमारे गुरुओं के द्वारा बताए हुए निर्देश, है ना। हमारे शास्त्र और भगवद गीता जो है वो हमारे लिए गुरुओं के द्वारा बताया हुआ बताया गया निर्देश है, जिसका पालन करके हम जो है इस शरीर को चलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज का जो मैनुअल ऑफ लाइफ का सेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्रों में ऐसे दी हुई है जिनको जो है आज के जो साइंटिस्ट है वो इन्वेंट करके जो है उससे रिजल्ट निकाल के अपना जो है वो आज का जो है मॉडर्न इन्वेंशन कर रहे हैं और मॉडर्न लाइफ को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि विमान शास्त्र है, वैदिक मैथ्स है, वैदिक मैथ्स बहुत ज्यादा फेमस है, योगा है, मेडिटेशन है ना। ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि हमारे इंडिया से निकल कर ही पूरे वर्ल्ड में गई है। तो ये जो शास्त्रास है ये जो है जैसे कि कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, वो पहले जिम जाता है बॉडी बनाने के लिए, है ना। जिम जाता है बॉडी बनाता है, तो जिम का जो वर्कआउट है वो दिखाई देता है कि नहीं। जिम का वर्कआउट हम देख सकते हैं कि हाँ भाई जिम जा रहा है, तो वो जो है उसकी बॉडी बन रही है, उसका शरीर जो है वो फ्लैट हो रहा है और जो है वो मतलब अब हेल्दी दिख रहा है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन जो मेंटल रूप से और जो अंदर जो शारीरिक जो अंदर गतिविधियां चल रही है शरीर के अंदर, जैसे कि श्वास प्रश्वास जो है क्रिया है और लंग्स का फंक्शन है, किडनी लीवर का फंक्शन है, ये जो है वो हम बाहर से नहीं देख सकते। तो जिम जाके जो है लोगों को ये पता चला कि जिम जाके हम अंदर के फंक्शंस को जो है रेगुलेट नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई जो ये योगासन है जो आज के डेट में बहुत फेमस है कि नहीं। योगासन वगैरह जो है, योग है और प्राणायाम है, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, जो भी विभिन्न प्रकार के जो होते हैं, ये आज के डेट टाइम में इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इसका डीप इम्पैक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर और जो है इसकी गहराई से जो है इसका असर जो है हम देख सकते हैं और लंबे समय तक देख सकते हैं। लंबे समय पहले कोई व्यक्ति अगर योगा प्राणायाम करता था तो उसका असर अगर वो छोड़ चुका है 4-5 साल से तो उसका असर आज भी दिखाई देता है। लेकिन वही जो है जिम करने वाला अगर जिम छोड़ देता है तो वो जिम का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए लोग जो है योगासन और प्राणायाम की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ज्ञान ज्ञान जो है वो हमको हमारे शास्त्रों से प्राप्त होता है, जिसे जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो साइंटिस्ट आज के टाइम में वो इन्वेंट कर रहे हैं और यूथ भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, हम भी देख रहे हैं, हम भी योगा करते हैं। कोरोना के टाइम में कितना सूर्य नमस्कार किया है सब भक्तों ने, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो है जिसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। तो जैसे कि बताया जाता है कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स में लाइफ नहीं है, दो चाहे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में क्या डाला गया था? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में डाला गया था कि जो चीजें जो जड़ हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, मतलब कि आई मीन जो चलती फिरती नहीं दिखाई देती है, उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स में डाला गया था, है ना। लेकिन इस नॉन लिविंग थिंग्स में डाला गया था प्लांट्स को भी। लेकिन कुछ टाइम पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जगदीश चंद्र बसु, और उन्होंने ये इन्वेंट किया कि प्लांट्स में भी क्या है? लाइफ है ना, प्लांट्स में भी लाइफ है। और ये प्लांट्स की लाइफ के बारे में हमारे वैदिक शास्त्र जो है वो पहले से ही कह रहे हैं, है ना। इवन भगवत गीता में भी भगवान जो 5,000 साल पहले बता चुके हैं कि जो है कोई व्यक्ति यदि गलत कार्य करता है तो उसको जो है वो अपने अंगों का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे नेक्स्ट बर्थ पेड़ों का मिलता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। आप वो फोटो देख सकते हो भगवत गीता का स्टार्टिंग में जो है उसमें, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को हमको मिलती है, जो जो कि हमारे शास्त्रों में पहले ही बताया जा चुका है। लेकिन अब जो है उसे साइंटिस्ट लोग इन्वेंट कर रहे हैं और बोलते हैं कि जैसे कि अभी आपको एक न्यूज़ पता है, जो जब हम छोटे थे तो टीचर हमको जो है वो पनिशमेंट देती थी, दोनों कान पकड़ के हम जो है वो उठक बैठक लगाते थे, है ना। कुछ नहीं हो पाता था तो जैसे वर्क नहीं करते थे, कुछ समझ नहीं पाते थे, पनिशमेंट मिलती थी। तो हाँ, होमवर्क नहीं करने पर पनिशमेंट मिलती थी। तो
तो वो जो है वो जो अमेरिका के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पता लगाया कि इससे जो है वो ब्लड फ्लो, माइंड में ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है, जिससे दिमाग जो है वो तेज काम करने लगता है ना। और उसको अमेरिका वालों ने पेटेंट करा लिया ये दिस इज अवर एक्सरसाइज करके, जो हम बचपन से उठक बैठक करते आ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सजा का विधान जो है वो महाभारत टाइम से है। तो गुरु द्रोणाचार्य भी जो है अपने शिष्यों को इस प्रकार से जो है पनिश करते थे। तो इसके पीछे जो है साइंटिफिक रीजन है, वैदिक जो है हमारे शास्त्र जो है हमारे जो मैनुअल्स है उसमें ये ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन हम जो है वो उसमें विश्वास नहीं करते। अब वो साइंटिस्ट कोई इन्वेंशन करके उसमें ठप्पा लगाएगा, उसको पेटेंट करवा लेगा, तब हमको विश्वास होगा हाँ अब ये करना चाहिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारी परिस्थिति है। तो खैर हम यहाँ पे सीखने आए हैं। देखिए जगदीश चरण बसु आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, स्लाइड्स दिखाई दे रही है। जगदीश चंद्र बसु ने जो है वो प्लांट्स में लाइफ है ये पता लगाया था, वैदिक ट्रूथ है ना। और जो है हमारा जो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम उसमें जो है माता के गर्भ में जो पिता के द्वारा वीर्य प्रक्षेपण से लेकर एक संतान की उत्पत्ति, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति, उसका निर्माण से लेकर उसका जो है शिशु रूप में उत्पन्न होने तक का सारा क्रिया क्या क्या होता है वो भागवतम में बताया जा चुका है। लेकिन आज जो है डॉक्टर्स उसको अभी इन्वेंट कर रहे हैं और अभी बता रहे हैं कि इतने से इतने हफ्ते में जो है उसका ये दिल धड़कना चालू होता है, इतने से हफ्ते में उनका उसका माइंड डेवलप होता है, इतने इतने महीने में, इतने हफ्ते में जो है उसके हाथ पैर में हलचल चालू होती है। ये सारी चीजें जो है वो हमारे श्रीमद् भागवतम में ऑलरेडी दी हुई है ना, वैदिक ट्रुथ। आगे देखते हैं, इसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, जो जो भ्रूण का जो विज्ञान है। काउ डंग एंड काउ प्रोडक्ट्स, देखिए कोई अगर रोड में अगर कहीं पे कुछ शिट पड़ा हुआ है, मतलब कि मल पड़ा हुआ है किसी जानवर का, और अगर कोई उसे खून अपने पैरों से वो खून खुंदा जाता है, तो हम क्या करते हैं, हो गंदा हो गया नहाना पड़ेगा, तुरंत आते हैं वापस और उसके बाद स्नान करते हैं। लेकिन वही जो है वो जो मल है गाय का मल, उसे हमारे शास्त्र में पवित्र बताया गया है कि नहीं। गाय के मल से हम लिपाई पोताई करते हैं, वो एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज का काम करता है ना, एंटी फंगल एंटी इन्फेक्टेंट जो भी है, जो भी एंटी एंटी है उसका काम करता है वो काउ डंग। तो ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है और ये साइंटिस्ट अभी इन्वेंट कर रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ह्यूमन लाइफ, है ना। ये शास्त्रों में ऑलरेडी है। तो ये वैदिक इंडिया है और आयुर्वेद है, योगासन है, वास्तु है, और जो है एस्ट्रोलॉजी है, ये सारी चीजें जो है हमारे इंडिया भारत देश के द्वारा ये सब मैनुअल्स हैं जो हमको ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए जो है भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान और उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त। जो जैसे कि यहाँ पे वैदिक मैथ्स के बारे में बताया जा रहा है, ये देखिए वैदिक मैथ्स जो है वो किस प्रकार से काम करता है। इतना कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे कैलकुलेशन है, लेकिन उसको वैदिक मैथ्स से बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा रहा है। दिख रहा है ना, इसमें साउंड भी एक्चुअल में, बट साउंड नहीं आ रहा। ठीक है मेरी ही आवाज सुन लीजिए आप लोग। ये देखिए ये कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है जिसको करके जो है वो ये मतलब निकाला पता लगाया जा सकता है कि 123 × 3 321 का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। तो ऐसा कुछ कुछ करके जो है वो लोग निकालते हैं। ठीक है आपको आता है वैदिक मैथ्स, आता है। तो सुमंगल प्रभु आपको बाद में समझा देंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि तो मैंने तो नहीं सीखा है। ठीक है हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। डिस्कवर द मैनुअल ऑफ लाइफ, इस सेशन में जो है हम डिस्कस करेंगे 6 ब्लाइंड मैन एंड हाँ 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइस मैन स्टोरी, 3 वेज टू गेन नॉलेज एंड 4 डिफेक्ट्स लीड टू इम्परफेक्ट नॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च कैन इट ऑफर कंप्लीट नॉलेज,
वेदास ऑफर फॉर परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज। लेट वी स्टार्ट। देखिए स्टोरी ऑफ सिक्स ब्लाइंड मैन एंड वन वाइस मैन। देखिए एक हाथी है और जो छह अंधे लोग हैं उनको हाथी के शरीर का अलग अलग पार्ट जो है वो टच कराया गया। ठीक है, तो हाथी के शरीर को के अलग अलग पार्ट को जब टच कराया गया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? तो पहला व्यक्ति को सूंड पकड़ कर लगा कि वो क्या है, सांप है। दूसरे व्यक्ति को लगा कि हाथी के कान पकड़ कर कि वो क्या है, फरसा है, एक्स है। और तीसरे व्यक्ति को लगा कि उसकी पूंछ पकड़ कर कि वो क्या है, रस्सी है। और चौथा व्यक्ति क्या पकड़ रहा है, हाथी की जो पेट पकड़कर बोल रहा है कि ये दीवार है। पांचवा व्यक्ति जो है उसने जो है हाथी के दांत पकड़ा और वो कह रहा है तीर है। और सिक्स पर्सन क्या बोल रहा है कि उसके पैर पकड़कर कि ये जो है वो पेड़ का तना है ना। तो इस प्रकार से जो है हाउ डू यू थिंक दे कैन गेन कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज अबाउट द एलिफेंट। तो क्या आपको क्या लगता है कि उसने जो है वो इस हाथी का जो है वो पूरा ज्ञान प्राप्त किया हाथी के विषय में अलग अलग ऑब्जर्वेशन करके? नहीं ना। तो वही जो है हमारा जो हम ज्ञान अभी लेते हैं हमारे ज्ञान की स्थिति वैसी ही है अभी आज के समय में, है ना। तो इसका आंसर जो है वो लास्ट में दिया जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के तीन विभाग है, मतलब तीन प्रकार से हम जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। अच्छा, पहले तो ये प्रश्न आता है मन में कि ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है और कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है, चाहे साइंस हो चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, हर किसी का जो है पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त करना क्यों आवश्यक है लाइफ में। तो पहला कारण ये है अज्ञानता को दूर करने के लिए, नहीं तो हम क्या कहलाएंगे, संसार में मूर्ख कहलाएंगे, और मूर्ख क्यों, कोई रहना नहीं चाहता। तो पहला अज्ञानता दूर करने के लिए। दूसरा जो है, जैसे कि अगर अज्ञानता अंधकार के समान है तो ज्ञान जो है वो प्रकाश है, और अंधकार में कोई भी व्यक्ति रहना चाहेगा, अंधकार में क्या लगता है, डर लगता है ना। विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जैसे कि कोई व्यक्ति अज्ञानी है, उसे मालूम नहीं है कि कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं जाना है, और वो चलते चलते जो है वो किसी पहाड़ के किनारे पहुंच गया और उसका पैर फिसल गया तो वो गिर सकता है और वहां पे वो जो है उसकी लीला समाप्त हो सकती है। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर मशीन चलाना नहीं जानता, गाड़ी चलाना नहीं जानता और उसको बैठा दिया जाए, उसको ज्ञान नहीं है मशीन्स के विषय में, वो क्या करेगा, वो खुद का भी नुकसान पहुंचाएगा और उसके साथ जो रहेंगे उनका भी वो नुकसान पहुंचाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से जो डर होते हैं हमारे हृदय में, विभिन्न विभिन्न प्रकार के डर होते हैं, जैसे कि अगर कोई सर्प आपके समक्ष आ जाए तो डर लगेगा कि नहीं, है कि नहीं। अब जो व्यक्ति है उसे पता है कि इस सांप के साथ कैसे डील करना है तो वो थोड़ा कम डरता है। जैसे सपेरा है या जो सांप पकड़ने वाले आते हैं उनको डर नहीं लगता, क्यों, क्योंकि उनको ज्ञान है कि सांप को कैसे पकड़ना है। तो वही इसी प्रकार जो है वो जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे हृदय से जो है डर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि जो जीवन में जो समस्याएं हैं, सफरिंग है, उनको दूर करने के लिए, उनको कम करने के लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कोई कंफर्टेबल लाइफ हमें चाहिए, है ना, हमको जो है वो हम स्वस्थ रहें, हमारे पास जो है सुविधाएं हो ताकि हम भगवान की भक्ति भजन कर सकें, तो इसलिए हमको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है कि लाइफ जो है वो परफेक्टली कंप्लीटली एकदम स्मूथली चले। तो ये तीन कारण हमको मिल गए ज्ञान प्राप्त करने के। और ज्ञान प्राप्त करने के तीन साधन क्या है, वो है तीन, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अच्छा, एक और चीज श्रील प्रभुपाद बताते हैं ज्ञान के विषय में कि एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आता है, बोलता है कि प्रभुपाद ये जो घास होता है ना, घास घास के विषय में मैंने जो है वो 400 पेज की मोटी किताब लिखी है। प्रभुपाद बोलते हैं कि किताब घास के ऊपर तो ऐसा क्या है उसमें, बताया कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रास, उसका कलर, उसका स्ट्रक्चर। तो शिला प्रभुपाद बोले कि आपने जो अपना समय वेस्ट कर दिया, वाय, बिकॉज घास कैसे, घास का स्ट्रक्चर क्या है, घास क्या है, घास क्यों उगती है, ये जानने के बजाय घास कैसे उगती है, घास कैसे अपने आप आ जाती है धरती, आप देखे होंगे घास कहीं भी उग जाती है,
घास उगाने के लिए कहीं भी बीज डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे ही बरसात का पानी गिरता है वहां पर घास अपने आप उगाती है कि नहीं? तो ये पता लगाना चाहिए कि घास अपने आप कैसे उग गई, उसे उगाने वाला कौन है, पानी डालने वाला कौन है, सूरज चमकाने वाला कौन है, बिकॉज विदाउट सनराइज जो है कोई भी वनस्पति नहीं उग सकती। तो ये हमको पता लगाना चाहिए, ये एक्चुअल में इन्वेंशन का सब्जेक्ट है, ये वास्तविक ज्ञान है। तो जब हम इस ज्ञान के शोर तक पहुंचेंगे तब तो हमें पता चल पाएगा कि भगवान ही, सुप्रीम लॉर्ड ही सब कुछ करने वाले। तो ये ज्ञान का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम जो है वो भगवान को जान सकें, ठीक है? तो ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम अभी तक जो हमने पढ़ाई की वो सारी किताबें विताबें फालतू, ऐसा ऐसा नहीं है ना। वो भी, वो ज्ञान, सांसारिक ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन मतलब आंखों से देखना, अनुमान प्रमाण मतलब कि गैस वर्क करना, गैस का हिंदी मीनिंग होता है अनुमान लगाना, मान लिया, माना कि मान लीजिए हो सकता है, हाँ ये अनुमान है। उसके बाद फिर तीसरा है शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम द बोनाफाइड अथॉरिटी, कोई बोनाफाइड जो है वो प्रामाणिक संस्था है वहां से जो है वो सुनकर समझना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए क्या है, क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हमें पूरा ज्ञान देता है? क्या जो चीज हम देखते हैं वह वास्तव में विश्वास करने योग्य है, भरोसे करने योग्य है? जैसे कि ये देखिए, ट्रेन की पटरियां जो हैं वो दूर से तो, यहाँ पास से तो अलग अलग दिखाई दे रही, लेकिन हम दूर जाकर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेन की पटरियां जो हैं आपस में मिल जा रही है ना? तो क्या वास्तव में मिलती है? यहाँ पे आप जो सीइंग है, देखा हुआ जो है वो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन, दर्पण को जब उसका जो एंगल है उसको जब चेंज कर लेते हैं तो हमारे जो है वो छोटे बड़े, जो देखिए आपको यहाँ पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे सर्कस वगैरह में ऐसा आता है ना? तो ये डिस्टॉर्टेड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब पानी में जब हम कुछ पेंसिल डालते हैं तो वहां बाहर से हमें वो टेढ़ा दिखाई देता है, लेकिन वो टेढ़ा है क्या? नहीं है। और ये देखिए मिराज, मिराज मतलब मृग मरीचिका, सड़क पे जो है जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा, कार ड्राइव करते हैं उनको, कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि सड़क में पानी है, रोड में पानी है, लेकिन पास जाने पर वो पानी नहीं होता, वो कुछ और होता है। तो अगेन ये जो है प्रमाण हमारा झूठा साबित हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि देखकर हम जो है वो अपने आंखों से पूरा संपूर्ण ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इवन जो है हम देखकर, छूकर, सुनकर, टेस्ट करके और स्मेल करके जो है हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आगे देखते हैं क्यों? बिकॉज वी हैव फोर डिफेक्ट्स, हमारे पास जो है चार दोष हैं हमारे अंदर, है ना? दोष है ना, क्या क्या है? फोर डिफेक्ट्स हमारे अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, ना? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है ना मोबाइल फोन में, वो मंगाते हैं अमेजोन से फिर निकल जाता है, सिम लगा रहे चल ही नहीं रहा है ना, वो ये हेडफोन जैक में हेडफोन लगा रहे आवाज ही नहीं आ रही है, फिर चेंज करवाते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। वैसे ही हमारे शरीर में जो है चार डिफेक्ट्स हैं, है ना? कौन कौन से? हमारे सेंसेस जो है वो इम्परफेक्ट है, हम जो है वो भ्रम में रहते हैं, और थर्ड है गलतियां करते हैं हम, और चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी मतलब कि हम धोखा देने की प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर। क्या क्या? हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम भ्रम में रहते हैं, हम गलतियां करते हैं, और धोखा देने की आदत है, प्रवृत्ति है, ये चार डिफेक्ट्स हैं हमारे अंदर, सबके अंदर है, ठीक है? तो इम्परफेक्ट सेंसेस, अवर आईज आर ब्लाइंड, कैसे ब्लाइंड है? देखिए यहाँ पे बता रहा है 400 से 700 मिली माइक्रोन के बाहर का जो है हम नहीं देख सकते, हमारी आंखों के लिए ये विजिबल नहीं है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो है जो दूसरे जीव है जैसे चींटियां हैं, मकड़ियां हैं, मक्खी है, ये लोग जो है 400 और 700 मिली माइक्रोन से भी बाहर का देख सकते हैं। और जैसे कि गिद्ध है,
है ना, कितना ऊपर उड़ता रहता है, लेकिन वो नीचे छोटा सा चूहा जाता है उसको भी वो देख लेता है, छोटा सा सांप ऐसे जाता रहता है उसको ऊपर से देखता है और पकड़ लेता है। मैंने एक बार छत से नीचे सांप जाता हुआ देखा था, है ना, और मैं जैसे ऐसे हिला सांप भाग गया। मतलब देखिए उसको मालूम है कि ऊपर से अटैक हो सकता है, इसलिए वो अलर्ट है ना। तो ये चीजें हैं जो हमारे अंदर नहीं है लेकिन इनके अंदर है जानवरों में। जैसे कि हम सुनने की हमारी जो रेंज है वो है 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, और उसके बाहर का, उसके ऊपर के रेंज का या कम के रेंज का हम नहीं सुन सकते। लेकिन देखिए यहाँ पे हाथी और बिल्ली जो है इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं, और उसके ऊपर का जो है अल्ट्रासोनिक, वो जो है चमगादड़ और यहाँ पे डॉल्फिन वो सुन सकती है। आपको पता है सुनामी जब आने वाली थी तो जितने भी हाथी थे थाईलैंड के, वो हाथी पहाड़ों की तरफ भागने लगे। किसी को पता नहीं चला कि अरे हाथी इतने, वो जो है वो ऐसे मतलब इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं। हाथी जो है वो भागने लगे एकदम पूरा, मतलब जोर जोर से भागने लगे। तो एक्चुअल में जो चीज इंसान नहीं सुन पाया वो हाथी ने सुन लिया कि बहुत बड़ी लहर जो है वो आने वाली है। और हाथियों के जाने के ऊपर चढ़ने के बाद जो है उसके 1 या 2 दिन बाद ही सुनामी आ गई। सुनामी की तैयारी, जो भूकंप है, सुनामी क्यों आया था, जो सी के जो बॉटम सरफेस है उसमें भूकंप आया जिससे सुनामी आई, तो वो जो है इसे पहले ही पता चल गया। वैसे ही बिल्लियां भी सुन सकती हैं, कुत्ते भी सुन सकते हैं, और अल्ट्रासोनिक वो जो है आप डॉल्फिन सुन सकती है, और इवन जो है वो चमगादड़ जो है रात में इतने अच्छे जो है फ्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज वो लोग जो है वो सुन के ही देखते हैं, एक साउंड रिलीज करते हैं, वो साउंड जो है सरफेस से टकरा कर वापस आता है और एक सिस्टम क्रिएट होता है जिससे उनको जो है अनुमान लगाने में आसानी होती है कि सामने बाधा है, सामने कुछ है या नहीं। तो ये चीज वो लोग कर सकते हैं। आपको पता था, डिस्कवरी चैनल नहीं देखे हो क्या? मैं बहुत देखा हूं इसलिए बहुत सारी चीजें पता है। अच्छा है, देखना चाहिए। तो देखिए, इफ सेंसेस हैव लिमिटेशंस आई कैन यूज इंस्ट्रूमेंट टू गेट मोर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारे सेंसेस, किसी के मन में सवाल आ सकता है कि ठीक है मेरे सेंसेस तो इनपरफेक्ट है लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो परफेक्ट है, उससे तो मैं परफेक्ट चीजें देख सकता हूँ, है कि नहीं। लेकिन भाई वो उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला जो हमारे हाथ है, हमारा दिमाग है, वो तो इम्परफेक्ट है ना। तो इम्परफेक्ट सेंसेस से कोई परफेक्ट चीज कैसे बना सकता है। और जैसे कि ये टेलीस्कोप है जिससे हम देखते हैं चांद तारों को, वो टेलीस्कोप में हम जिस चीज को यू आंखों से ही तो देख रहे हैं, तो आंखों का जो विजन है वो तो इम्परफेक्ट है कि नहीं। तो फिर कैसे बोल सकते हैं परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे कोई नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट यूजेन विंजर बता रहे हैं, इवन इफ यू फोटोग्राफ स्टार्स इवेंचुअली वी हैव टू टेक इन बाई अवर सेंसेस व्हाट द फोटो शोज, फर्दर मोर विदाउट अवर सेंसेस वी कैन नॉट हैंडल अ कैमरा, है ना। हम अपनी आंखों से ही फोटोज को देखते हैं और अपने इंद्रियों से ही जो है वो कैमरे को हैंडल करते हैं, और इवन जो है अगर उसको छोटा बड़ा कर दिया जाए, एम्पलीफाइड रिडिफाइन कर दिया जाए, तो उसमें भी जो है हमें परफेक्ट नॉलेज अपने इनपरफेक्ट सेंसेस से नहीं मिल सकती है। ठीक है, चौथा फोर डिफेक्ट्स में से दूसरा है टू बी इल्यूजन, हम जो है वो भ्रम में रहते हैं। भ्रम में कैसे रहते हैं, देखिए क्या होता है, जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो मीठा खाने के बाद जब हम कुछ खट्टा खाते हैं, या मीठा खाने के बाद ऑरेंज को खाएंगे तो ऑरेंज हमें खट्टा लगेगा, है कि नहीं। जैसे आप लोग बचपन में देखे होंगे, हम लोग आंवला खाते हैं, आंवला खाने के बाद पानी पीते हैं तो पानी मीठा लगता है कि नहीं। तो हमारे क्या है, हम इल्यूजन में, क्या वो पानी मीठा है क्या वास्तव में, नहीं है। और नींबू खाने के बाद जब संतरा खाते हैं तो संतरा जो है वो मीठा लगता है, क्यों, नींबू ज्यादा खट्टा है तो उसके कंपैरिजन में संतरा जो है वो मीठा लग रहा है कि नहीं। ये तो आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे, हंस रहा है मतलब, यह है ना। एक्सपेरिमेंट करता है लड़का। और जैसे कि क्या है कि जब हम वाटर टच विथ वार्म हैंड अपीयर कूल, जब हम गर्म हाथ से जो है वो पानी को टच करते हैं तो वो ठंडा लगता है, लेकिन उसी पानी को जब हम ठंडे हाथों से टच करते हैं तो वही पानी जो है हमें गर्म लगता है कि नहीं।
सर्दियों में इस ट्रिक को हम लोग यूज करते हैं बहुत, है ना, पानी गर्म लगे करके हम लोग जो है वो मस्त ठंडे वंडे से एकदम मतलब आते हैं, वाटर टच विद वार्म हैंड पियर्स कूल। ठंड में जो है पानी ठंडा ज्यादा इसलिए नहीं लगता क्योंकि बाहर का वातावरण भी ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही हम गर्म हो जाते हैं उसके बाद फिर पानी को वो और ज्यादा जो है वो ठंडा लगता है। तो ये एक्सपीरियंस हमने किया है। हाँ सही बोल रहे हो। इच पिक्चर हैज एटलीस्ट टू वेज टू सी डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू चूज टू डिस्कार्ड। यूज योर क्रिएटिविटी एंड आइडेंटिफाइड अ टू डिफरेंट वे ऑफ परसेप्शन ईच ऑफ द पिक्चर। तो देखिए हम आपको जो है वो कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे। ये देखिए हमारा इल्यूजन, इसमें क्या दिख रही है आपको, बूढ़ी औरत दिख रही है और किसी किसी को जो है यहाँ पे एक यंग गर्ल भी दिख रही होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो यंग गर्ल दिखेगी यहाँ पे, ये जो कान है उसके, ये नाक है और ये आंख है, लेकिन हम ये पूरा पिक्चर देखेंगे तो हमको जो है वो ये जो है बूढ़ी औरत का नाक है और यहाँ से जो है वो मुंह है, और ये जो लड़की का जो यंग गर्ल का जो कान था वो बूढ़ी औरत का आंख बन गया, इल्यूजन ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, किसी किसी को दिखेगा कि ये ट्रायंगल है ना, लेकिन किसी किसी को लगेगा कि ये जो है वो सर्कल है, तीन सर्कल है जो अजीब से डिजाइन में रखे हुए हैं, इल्यूजन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दो एक बूढ़ा औरत और एक बूढ़ी औरत दिखेगी, लेकिन ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे दो व्यक्ति है जो क्या कर रहे हैं, एक गिटार बजा रहा है और एक लड़की है जो दरवाजे में खड़ी हुई है ना, इल्यूजन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बताइए कितने सिलेंडर्स हैं, हिल रहा है ना, घूम रहा है, ये ऐसा लग रहा है घूम रहा है ना, तीन सिलेंडर्स। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स है, ऐसा लग रहा है कि राउंड राउंड घूम रहे हैं, है कि नहीं। आगे देखिए, ये राउंड है, ये भी ऐसा लग रहा है कि ये घूम रहा है, लग रहा है कि नहीं, चल रहा है, बट ये क्या है, नहीं चल रहा है, ये इल्यूजन है हमारा। ये देखिए एक और, तो ऑल अवर सेंसेस हैव टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, भ्रम में हमारे जो सेंसेस है वो भ्रम में आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा है कमिट मिस्टेक्स, हम जो है वो गलतियां करते हैं, जैसे कि ब्रेन वॉश थॉट ऑफ एज एन ऑर्गन टू कूल द ब्लड। पहले क्या सोचा जाता था कि जो दिमाग जो है हमारा उसके पास एक ऐसा ऑर्गन है जो खून खून को जो है वो ठंडा करता है, और यहाँ पे दिमाग में एक पीनियल ग्लैंड होता है। साइंटिस्ट लोगों को लगा कि ये एक ऐसा टिश्यू है जिसका कोई यूज नहीं है ना, और वो सारे लोगों का पीनियल ग्लैंड जो है ऑपरेशन करके निकाल दिए, तो वो लोग क्या हुआ, उनके सोचने समझने की शक्ति जो है वो नष्ट हो गई, है ना। वैसे ही देखिए हबल टेलीस्कोप जो है वो क्या करता है, कई बार उसका एंगल चेंज कर दो तो अलग पैरामीटर दिखाता है, अलग इमेज दिखाता है, और उसका फिर एंगल चेंज कर दो तो अलग इमेज दिखाता है ना। क्या बोल रहा है, हैज बीन चेंज थ्री टाइम्स, इट इज इट हबल कॉन्स्टेंट और हबल वेरिएबल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो रीडिंग्स जो है उसमें दिखाई देते हैं, तो ऐसी गलतियां हम करते हैं। और फोर्थ है चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग इन साइंस सर्च फॉर द मिसिंग लिंक बिटवीन एप्स और ह्यूमन। तो चीटिंग किया लोगों ने, कैसे, लोगों ने देखा कि इंसान का शरीर, और किसी साइंटिस्ट ने, बहुत पहले वैज्ञानिक ने, फिलोसोफर ने ये देखा कि इंसान का शरीर और जो बंदर होते हैं उनका शरीर एक समान जैसा होता है ना, सिमिलर दिखता है। तो उन लोगों ने क्या किया, ये सोचा कि पहले जो है हम बंदर थे, उसका धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन थ्योरी के थ्रू जो है हम बंदर से इंसान बने, है ना, ये थ्योरी थी। लेकिन ये जो है इस केस को क्लोज कर दिया गया और इसको गलत साबित कर दिया गया 1912 में। 1912 में डार्विन की थ्योरी सही है ऐसा मानते थे, लेकिन 1953 में किसी एक कोई वैज्ञानिक आया सामने, कोई साइंटिस्ट, उसने जो है पूरा रिसर्च किया और उसके बाद उसने बोल दिया कि ये जो डार्विन थ्योरी है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बंदर का जो एप्स का जो स्केलेटन था, जो स्कल था, उसने देखा कि उसमें फाइलिंग की गई है, फाइलिंग मतलब कि उसको छेड़छाड़ करके, काट छाट करके उसको इंसान जैसा बनाने की कोशिश की गई है, और जो है हमारा जो ऊपर खोपड़ी है और जबड़ा जो है वो अलग हो जाता है। तो कुछ कुछ स्केलेटन्स ऐसे थे जिसमें खोपड़ी बंदर की थी, जबड़ा इंसान का था,
जबड़ा इंसान का था तो खोपड़ी बंदर की थी। तो इस टाइप से जो है वो फाइलिंग कर करके बताने की कोशिश की गई कि जो इंसान का जो पहले वाला जो सिचुएशन था वो बंदर वाला था। तो ये मिस्टेक जो है साइंस करता है। और क्या है, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है, फाइल्ड ह्यूमन जॉ एंड एप स्कल फॉर्जरी ऑफ एविडेंस। एक वीडियो चलेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस वीडियो में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है वो साउंड है बट इसमें आ नहीं रहा है। बंदर को किस प्रकार से जो है वो इंसान बनाने की कोशिश की गई आप देख सकते हैं। ये देखिए तीन प्रकार के नेब्रास्कन मैन, तीन तीन वैरायटी के निकाले और उसमें से अलग अलग सबको फिट करके अलग अलग इंसान बनाने की कोशिश की गई है। और हमको पढ़ा दिया गया हमारे पूर्वज क्या थे, बंदर थे। तुम्हारे होंगे भैया, हमारे तो ऋषि मुनि थे। ये देखिए एक दांत, एक एक तो मतलब ऐसा निकाल दिया कि एक दांत मिला किसी को, ओनली टूथ, और उससे बोल दिया कि ये जो दांत है वो पुराने मनुष्य जो है वो आदि मानव का है। लेकिन हो सकता है वो दांत जो है वो किसी सुअर का हो सकता है, किसी किसी जो है किसी अन्य जानवर का हो सकता है। तो देखिए नियंडर्थ, ये जो है एक एक प्रकार की प्रजाति है इंसान की। फिर उसका पिल्ट डाउन करके एक अलग अलग मतलब कि चीटिंग प्रोपेंसिटी इंसान की, साइंस के थ्रू जो है वो चीटिंग करके जो है बताने का प्रयास किया गया कि ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मनुष्य इस प्रकार से पाए जाते थे, है ना। जिसको कैसे बनाया गया था, फाइलिंग करके, फाइलर, है ना। फाइलिंग समझते हैं क्या होता है। हाँ नाखून काटने के बाद घिसते हैं ना जी, हाँ वैसे ही फाइलिंग करते हैं घिस घिस के, समझ रहे हो। वो है तो इस प्रकार से जो है वो धोखा दिया गया है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण के बारे में आप देखेंगे, हम जान गए कि प्रत्यक्ष प्रमाण किस प्रकार से गलत हो सकता है। अब देखते हैं अनुमान प्रमाण में क्या है, क्या अनुमान प्रमाण सत्य हो सकता है। अनुमान मतलब थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, देख के जो है हम अनुमान लगाते हैं कि, है ना, जैसे बादल आएंगे तो लगेगा कि हाँ बारिश होने वाली है, अनुमान लगाते हैं हम बादल देख के। लेकिन अभी क्या है, मौसम थोड़ा सा बेईमान है, तो क्या होता है कि बादल चले जाते हैं धोखा दे के, बारिश बारिश कुछ नहीं होती, है ना। और धूप, तेज धूप रहेगी, हाँ आज अच्छी धूप है, चलो 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 प्रभु जी प्रचार में चलते हैं, धूप है, देखते हैं 1 घंटे बाद बारिश हो गई। तो ये जो हमने अनुमान लगाया कि बारिश नहीं होगी लेकिन बारिश हो गई, दैट मीन्स अनुमान पर हम भी, हमारा जो है वो गैस वर्क भी है वो गलत है ना। इट मे हैव बीन लाइक दिस और परहैप्स इट वॉज लाइक दैट, हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने बताया कि पहले जो है पेड़ में रहते थे, फिर जमीन में आए, झुक के चलते थे, उसके बाद फिर सीधा चलने लगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, महान डार्विन का सिद्धांत। डार्विन क्या बोलता था कि कई सालों के जो है ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने यह जो है वो निष्कर्ष निकाला है कि जीव जंतुओं की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। तो सिमिलर सिमिलर टाइप के जो दिखने वाले जीव थे उनको वो समझता था कि पहले ये था और उसके बाद फिर टाइम के बाद वो जो है वो बन गया, मैं पहले ऐसा था, हम ऐसा बन गया, है ना। ये डार्विन की थ्योरी है ना। वो टेलीब्रांड्स वाले इसको बेवकूफ बनाने के लिए यूज करते हैं, वही इसने भी किया है। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं, ये तो मैंने बंदर वाला तो मैंने बता ही दिया है। तो इस प्रकार से जो डार्विन डार्विन ने क्या बोला कि एक भालू था, भालू जो है वो पानी में, उसको तैरने का बहुत शौक था, है ना। वो जो है वो पानी में तैरता गया तैरता गया और बहुत ज्यादा तैरा। तो एक दिन तैरते तैरते एक ऐसा समय आया कि वो जो है व्हेल मछली बन गया, है ना।
ये डार्विन की थ्योरी है। और क्या बोल रहा है कि एक जिराफों का दो टाइप हुआ करता था, जिसमें से कुछ जिराफ जो है उनकी गर्दन छोटी थी और कुछ जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। कैसे? कुछ जिराफ जो है वो नीचे उगी हुई घास खाते थे, और कुछ जिराफों को जो है अच्छा खाने की आदत हो गई, तो वो लोग जो है वो उछल उछल के पौधों के पेड़ के पत्ते खाते थे। तो इसी प्रकार उछलते उछलते जो है उनकी गर्दन लंबी हो गई। वो ये है ना, लटकने से लंबाई बढ़ती है, वही है यहाँ पे, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है डियर, पहले डियर मतलब हिरन, हिरन को जो है ऊंचाई में ऊंचा ऊपर उठने की इच्छा हुई, है ना, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो उछल उछल के उसने जो है पत्ते ऊपर के खाने शुरू किए, गर्दन बढ़ी और वो बड़ा आदमी बन गया। इस प्रकार से डार्विन कहता है। तो इस प्रकार से जो है वो रिसर्च में जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कैसा नुकसान होता है? देखिए, गैजेट्स जो है हमारे, गेमिंग गैजेट्स है ना, तो इनका रिसर्च जो है वो अभी बताते हैं कि गेमिंग गैजेट्स जो है वो हमारे बहुत ही ज्यादा ये हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, जैसे कि स्लीपलेसनेस, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, डिप्रेशन, हियरिंग डैमेज। तो ये क्यों बनाए गए थे? जो गैजेट्स है, गेमिंग गैजेट्स है, विभिन्न प्रकार के जो गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन है ना, मूवी देखने के लिए थिएटर्स, ये सब क्यों बनाए गए थे? एंटरटेनमेंट के लिए, इंसान की लाइफ जो है वो कंफर्टेबल होगी। लेकिन उसने क्या किया, ये एडवर्स इफेक्ट डालना चालू कर दिया, और ये जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि एयर कंडीशन का आपको पता होगा, एसी जो है उसमें से एक गैस निकलती है, उसमें सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन यूज होता है, जो कि हमारे ओजोन लेयर को बहुत डैमेज करता है, एसी और फ्रिज, है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए तो बहुत साधन निकाले, लेकिन वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, वो और ज्यादा नुकसान करने लगा। तो अब उसका काउंटर निकालते हैं कि अब इसको कैसे रोका जाए, फिर कुछ इन्वेंशन करते हैं, फिर उसका कोई ड्रॉबैक निकलता है ना। तो ये मिस्टेक होते हैं इन्वेंशन में, रिसर्च में, हमारे इनपरफेक्ट सेंथेस के कारण। ये माता जी क्या बोल रहे हैं, द सिलिकॉन वैली रिसर्च ब्लंडर, थ्योरॉन लैब्स जो है वो एक जो है लैब ने ब्लड टेस्ट यूजिंग ऑटोमेटेड डिवाइस लैब ऑन चिप, जो ये इंस्टेंट जो है ब्लड ड्रॉप डालते ही जो है वो रिजल्ट बताएगा। तो इससे क्या नुकसान हुआ, ब्लड टेस्ट जो है वो गलत निकला, और पेशेंट जो है वो उसको टेस्टिंग से जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, है ना, हार्म मतलब चोट पहुंची। और इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ा कि $9 बिलियन का फ्रॉड करने के कारण, उस $9 बिलियन का फ्रॉड उसने किया, ये जो है वो रिवील हुआ। किसके कारण जो है वो रिसर्च क्लेम क्या कि हम एक ऐसा चिप बनाएंगे जो जो है ब्लड टेस्ट तुरंत करके जो है वो दिखाएगा। ऐसे कुछ टाइम पहले, हमें 1-2 साल पहले एक और फ्रॉड हुआ था, आप लोग को याद होगा, 251 रुपए में हम मोबाइल फोन देंगे, है ना। रिसर्च करके एक ऐसा मोबाइल फोन हमने निकाला है जिसकी कीमत मात्र 251 रुपए है ना। कई लोगों से, करोड़ों लोगों से 251 रुपए वसूल किए उन्होंने, और 251 करोड़ उसके पास इकट्ठा हो गया, लेकिन डिलीवर किसी को भी नहीं हुआ मोबाइल, और वो व्यक्ति और वो कंपनी दोनों गायब हो गए, है कि नहीं। ये मिस्टेक करते हैं जानबूझ के अपने फायदे के लिए। देखिए, ब्यूबॉनिक प्लेग जो 1300 के टाइम में आया था, 13वीं शताब्दी में, वो ब्यूबॉनिक प्लेग में क्या, लोगों इसको काला ज्वर बोला जाता था, शरीर काला पड़ जाता था और लोग जो है वो तड़प तड़प कर मर जाते थे। तो किसी को नहीं मालूम चल रहा था कि ये क्यों प्लेग हो क्यों रहा है, पूरे यूरोप में फैला हुआ था, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है ना, वैसे ही उस टाइम में प्लेग हुआ था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि जो सोचने वाले लोग थे, जो डॉक्टर्स वैद्य टाइप के जो भी रहे होंगे, उन्होंने ये पता लगाया कि बिल्लियों के कारण जो है ये प्लेग फैल रहा है, सारी बिल्लियों को मार दो, पाट 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 सबको मारने लगे, पाट पीट पाट पाट, है ना, सारी बिल्लियों को जो है वो लोग मार, पूरे यूरोप में बिल्लियों को मार दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो प्लेग है वो बिल्लियों के कारण नहीं फैल रही, किसके कारण फैल रहा है, चूहों के कारण फैल रहा
है ना। और बिल्लियां क्या थी, चूहों को मारने का केवल एक ही सोर्स था, वो कौन थी, बिल्लियां। बिल्लियां चूहों का शिकार करके उनको खाती थी। तो बिल्लियां खत्म हो गई तो चूहों की संख्या बढ़ गई, तो प्लेग और ज्यादा बढ़ गया है ना। तो उसके बाद फिर चूहों को मारना स्टार्ट किए, पाट पीट पाट पाट। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर प्लेग जो है वो कंट्रोल में आया है ना। तो ये क्या, रिसर्च में मिस्टेक से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और वो आपने तो सुना ही होगा क्या, कि चाइना ने सारी गौरैया चिड़िया को मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि गौरैया चिड़िया जो है वो फसल को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा रिसर्च करके गौरैया चिड़िया खत्म हो गई पूरे, आज से जो है 50-60 साल पहले की बात है ये। तो उन्होंने देखा कि गौरैया चिड़िया तो खत्म हो गई, लेकिन जो टिड्डे होते हैं वो, टिड्डों की संख्या बढ़ने लगी। और टिड्डे इतनी तादाद में आने लगे कि वो एक बार में पूरा का पूरा खेत और खलिहान चट कर जाते थे, है ना। और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो क्या करते हैं लोग बेचारे, टिड्डे जो बचे मर, टिड्डों को पकड़ते थे, उन्हीं उसी को टिड्डों को ही मार के खाते थे चाइना वाले। चाइना में सब कीड़े मकोड़े पंछी क्यों खाते हैं, इसीलिए खाते हैं। कुछ रिसर्च में मिस्टेक हुई और सारी चिड़िया मर गई। चिड़िया मरने से जो खाद्य श्रृंखला बिगड़ गई, और जो है वो टिड्डों की संख्या, वो टिड्डों ने फसल खा लिया। अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब टिड्डे खा रहे हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है रिसर्च में मिस्टेक करने से ये होता है ना। ऐसा हमको नहीं सोचना है कि हम भी जो है वो मांस मछली खाना चालू कर दें, कि अरे प्रभु जी क्या करें अगर हम मुर्गी मुर्गा नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी और वो हमको खा जाएंगे, इसलिए हम खाते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना। एक मित्र है मेरा, मैंने उससे पूछा, भाई मछली क्यों खाते हो, है ना, ये भी जीव है। तो भाई मछली इसलिए खाता हूँ, नहीं तो मछली हमें खा जाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे लॉजिक लगाते हैं लोग। हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो जी आप थोड़ा सा अटेंडेंस ले लीजिए ना, कौन कौन लोग प्रेजेंट है ना, कितने लोग ऑनलाइन है, कितने लोग ऑनलाइन है, कितने बात लोग, 17 17, ठीक है। अटेंडेंस ले लीजिए, हम जो है वो जो ज्यादा सिंसियरली जो डेली लेक्चर अटेंड कर रहा है, और जिसको एक एक क्विज होगा उसमें जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे उनको जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए अटेंडेंस इज नेसेसरी। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। तो द सोल्यूशन फॉर वन प्रॉब्लम बिकम अनदर बिगर प्रॉब्लम। एक परेशानी का जो है हल निकालते निकालते हम दूसरी बड़ी परेशानी की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या? तो तीन चीजें, दो चीजें जो है हमको जो है वो हमने गलत साबित कर दी। क्या क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। गलत साबित हुआ कि नहीं हुआ ना, तो क्या सही क्या है? शब्द प्रमाण देखते, शब्द प्रमाण सही कैसे है। क्या है, अधूरा ज्ञान होने से जो है हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देखिए इस वीडियो से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वेयर इज द मैनुअल दैट कैन एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ दिस कॉस्मिक मशीन। इफ वी कैन गेट इट देन वी हैव द की टू हैप्पीनेस। तो अगर हमें ये जो कॉस्मिक मशीन जो है, ये जो संसार है, ये जो हमारा शरीर है, इसका इसको चलाने का अगर हमको मैनुअल मिल गया, तो हम क्या है, हमको जो है वो खुशियों की चाबी मिल गई, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो क्या है ये, क्या बोल रहे हैं? जस्ट सी माई डियर फ्रेंड हाउ फोर डिफेक्ट्स कीप अस ब्लाइंड टू द ट्रूथ। दूसरा अनुभव इज देयर नो अदर वे अदर देन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण टू नो द कंप्लीट ट्रूथ, दैट इज द फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर्स। सभी खतरों से बचाने के लिए क्या प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के अलावा और कोई प्रमाण नहीं है? तो है, क्या है? शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी। शब्द प्रमाण क्या होता है देखते हैं। वेज टू गेन कंप्लीट नॉलेज, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है? भगवत गीता में जो है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। मतलब कि यह ज्ञान जो है वो परंपरा से आता है,
है ना, और राजर्षियों द्वारा जो है वो स्वीकार किया जाता है। ठीक, तो परंपरा से प्राप्त होता है। परंपरा क्या होती है? एक बच्चा है जिसे अपने पिता के विषय में पता लगाना है, हु इज माई फादर, तो वो क्या करेगा? डीएनए टेस्ट करवाएगा, है ना। डीएनए टेस्ट जो है वो जीन्स का पता लगाने के लिए जो है वो उसको जो है 800 साल तक, जब पूरा डीएनए को डीकोड करने के लिए 800 साल का समय लगेगा, और उसमें भी 200 लोगों का जो है वो अनुमान मिलेगा कि इन 200 लोगों में से कोई एक आपका पिता हो सकता है कि नहीं। बहुत कठिन है डीएनए को, फिर उसका कोडिंग देखो, फिर अलग अलग आदमी का कोडिंग से उसको टेस्ट करो, मतलब असंभव है ना। लेकिन सरल क्या है? क्या कोई दूसरा तरीका है? तो सीधी बात है, बच्चा अपनी माँ के पास जाएगा, पूछेगा मम्मी मेरा पिता फादर कौन है, हु इज माई फादर, माता बता देगी बेटा ये तेरा तेरा पिता है, बस खत्म। तो ये डीएनए टेस्ट वगैरह करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये है शब्द प्रमाण। तो वेदास जो है वो हमारी माता है, और भगवान जो है वो हमारे पिता हैं। तो वेद हमें बताते हैं कि हमारे पिता कौन है, वो भगवान है। तो वेदास कैन गिव अस जीके, जीके मतलब जनरल नॉलेज नहीं, गॉड नॉलेज। वेदा जो है हमें भगवान के विषय में बताते हैं। यहाँ पे देखिए मंत्र की शक्ति बताई जा रही है, मंत्र मेडिटेशन और क्या बोलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में जो मंत्रास पढ़ते हैं उनका हमारे माइंड में हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि एक ग्लास है, एक ग्लास जो है डिफरेंट रेजोनेंस में जब उसको कोई एक विशेष प्रकार की आवाज ध्वनि सुनाई देती है, जैसे ओपेरा सिंगर्स होते हैं वो लोग जब जोर की आवाज निकालते तो कांच जो है वो टूट जाते हैं, ग्लास टूट जाते हैं। देखे हो ना आप लोग, वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हो? डिस्कवरी चैनल मतलब देखे ही नहीं क्या? क्या वो लगा, छतरी लगा था क्या, वो डीडी डायरेक्ट वाला, एयरटेल वाला? हाँ, केबल नहीं लगा था इसलिए नहीं देख पाया, वो फ्री वाला लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मंत्र शक्ति से जो है महाभारत के युद्ध में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो है अस्त्र चलाए जाते थे मंत्र शक्ति से। आज के टाइम में जो मॉडर्न न्यूक्लियर वीपन जो चलाए, आज जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है, वो उसे जो है महाभारत के टाइम में ब्रह्मास्त्र कहा जाता था। और वो ब्रह्मास्त्र किससे चलता था प्रभु जी? मंत्र शक्ति से। एक मंत्र पढ़ते थे तो वही तीर जो है वो ब्रह्मास्त्र बन जाता था। तो ये इतनी शक्ति है मंत्रों में। तो इसी प्रकार जो है वेदास और जो श्लोकास की जो और मंत्रास की जो वाइब्रेशंस है, जो पावर्स है, जो मैसेज है, वो हमारे माइंड में हमारे लाइफ में जो है एक अलग ही इफेक्ट डालता है, जिससे कि हम क्या होते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और हमें जो है हमारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग का वैदिक प्रोसेस क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कोई एक ऑथोराइज्ड कॉलेज है, उसी प्रकार जो है हमारी परंपरा और हमारा संप्रदाय होता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो ऑथोराइज्ड कॉलेज से ही पढ़ना चाहेगा और वहीं से जो है डिग्री लेना चाहेगा, है ना। तो फलाना फलाना यूनिवर्सिटी जो है वो AICTE से और UGC से प्रमाणिक है कि नहीं है, ये हम चेक करते हैं एक बार इंटरनेट में, उसके बाद फिर हम एडमिशन लेते हैं, क्यों प्रभु जी, है कि नहीं। हाँ, तो उसी प्रकार से जो हमारा जो वैदिक ज्ञान है वह भी परंपरा से और संप्रदाय से आता है ना। जैसे कि प्रोफेसर जो है वो यूनिवर्सिटी में वही उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है ना। और हमारे में क्या होता है संप्रदाय, वह व्यक्ति जिसने अपने गुरु से सुना है, वह अभी गुरु है और वो जो है अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है, बाद में वो गुरु बन के अपने शिष्यों को पढ़ाएगा, ये है संप्रदाय सिस्टम। ठीक है, और क्या बता रहे हैं? ऑथराइज्ड बुक्स, कुछ ऑथराइज्ड बुक्स होते हैं जिससे हम पढ़ाई करते हैं, जैसे NCERT की बुक्स हैं, CG बोर्ड की बुक्स हैं, उसी से ही पढ़ाई होती है ना, ऑथराइज्ड बुक्स हैं। वैसे ही वैदिक टेक्स्ट जैसे कि भगवद गीता जो है वो हमारे वैदिक बुक्स हैं, वैदिक लर्निंग के तरीके हैं। ठीक है, तो एडवांस नॉलेज इन
वेदास, विमान शास्त्र, विमान शास्त्र के बारे में बताया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अप्रैल 2017 में जो भारत से ले जाया गया विमान शास्त्र को वहां के साइंटिस्ट लोगों ने जो है मतलब उसमें रिसर्च किया, और रिसर्च करके जो है उसमें से उन्होंने एक विमान का डिजाइन निकाला, और जो कि विमान शास्त्र में दिया हुआ था, और उस डिजाइन को जब प्रोटोटाइप बनाया 3D प्रिंटिंग से, तब उनको देखकर लगा कि हाँ वास्तव में यह उड़ान भर, देखिए हमारे शास्त्रों में भी जो है वो विमान का उल्लेख आता है, पुष्पक विमान रावण के पास था, है ना। तो ये विमान शास्त्र जो है उसको स्टडी करके साइंटिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, बाकी वास्तव में जो है वो वैदिक लिटरेचर से जो है विमान शास्त्र से वो जो है हम उड़ा सकते हैं। यहाँ पे जो है एस्ट्रोनॉटल एक्टिविटीज की भी जो है जो हमारे जो स्कल्पचर्स हैं उसमें देखने को मिलता है। तो ये है हमारा विमान शास्त्र, ठीक है। अनडिफिटेबल वैदिक प्रेडिक्शन, ऐसे वैदिक प्रेडिक्शंस भविष्यवाणियां जिनको कोई भी जो है वो झुठला नहीं सकता, जैसे कि भगवान बुद्ध के बारे में श्रीमद् भागवतम में ऑलरेडी बताया गया है पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 24वें श्लोक में, वैसे ही चाणक्य के बारे में बताया गया है, और उसी प्रकार जो है एम्परर अशोक के बारे में बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया गया भविष्य पुराण में, और प्रोफेट मोहम्मद के बारे में बताया गया भविष्य पुराण में, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है महाभारत में। तो ये अनडिफिटेबल जो है वो प्रमाण है, वैदिक प्रेडिक्शंस है जो कि हमेशा सत्य साबित होते हैं, द वेदास। क्या बोल रहे हैं, सब टाइटल आ रहा है क्या? स्पिरिचुअल कल्चर, फेस्ट कल्चर ऑफ द वेदा, फर्स्ट क्लास, मल्टी फेसेड, फैसिनेटिंग मिस्ट्री टू द वेस्टर्न आइज। अब वेस्टर्न लोगों को जो है बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है कि कैसे फिलोसॉफिस, कल्चर, सोशल वैल्यूज ना, योगा, तो ये सब है हमारा जो है वो अनडिफिटेबल वैदिक प्रडिक्शन है ना। फिलॉसफी बोलते हैं, फिलॉसफी का हिंदी में अर्थ होता है दर्शन, दर्शन मतलब देखना, तो उसको लिंक करके बताया गया, दर्शन मतलब देखना, फिलॉसफी मतलब जो जो चीज सही है वही दर्शन है, वही चीज को जो हम जो दर्शन करते हैं, और जो वैदिक फिलॉसफी है जो वो क्या है, अनडिफिटेबल है, वैदिक प्रेडिक्शंस, ठीक है। हाउ एजुकेटेड इंडियन वर डाइवर्टेड फ्रॉम पुटिंग फेथ इन द वेदास। टाइम हो गया क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में खत्म हो ही गया, बस थोड़ा ही बचा। तो अभी जो है बता रहे हैं कि कैसे जो है पढ़े लिखे जो भारतीय हैं वो किस प्रकार से जो है हमारे वेदों में जो उनको फेथ करना चाहिए था वो उस फेथ से डाइवर्ट हो गए, इसका मेन जो है वो श्रेय जाता है। नहीं चल रहा है वीडियो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जर्मन लोग आए थे, जर्मन और कुछ अंग्रेज लोग, जिनको ये काम दिया गया था कि वो लोग जो है वो क्या करते थे, वो यहाँ उन्होंने जो है यहाँ आने से पहले यहाँ के कल्चर का पूरी तरह से पूरा स्टडी किया है ना, और स्टडी करके उन्होंने ये पता लगाया कि उसमें लूप होल्स फाइंड आउट किया, लूप होल्स मतलब कि कहाँ कहाँ क्या कमी है जिससे हम लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने जो है वो इंडियंस ज्यादा पढ़ लिया, इंडियंस के बारे में, शास्त्रों के बारे में, और जब वो भारत आए और उन्होंने जो है यहाँ के यूथ से जो है बातचीत की, तो उनको ऐसा लगा कि अरे हम इतनी तैयारी करके आए थे, हमको लगा था कि इनको पता होगा कि इनका जो है वो भगवत गीता के बारे में जानते होंगे, लेकिन जैसे कि किसी छोटे लड़के का ज्ञान होता है पढ़ाई के विषय में, है ना, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन के विषय में, वैसे ही ज्ञान जो है वो यहाँ के लोगों को अपने संस्कृति के बारे में और अपने जो है कल्चर के बारे में, तो
इसलिए उनको कन्वर्ट करना बहुत आसान था, है ना। यूएस की कांग्रेस वुमेन है तुलसी गबार्ड, वो जो है वो बताती है कि 2020 में कैसे कोरोना के टाइम में जो है वो लोग जब स्ट्रेस में है और बहुत ज्यादा परेशानी में है, तो भगवत गीता ही जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी द्वारा, सुप्रीम पर्सनालिटी द्वारा कही गई वो जो मैनुअल है लाइफ का, उसको हम लाइफ में अप्लाई करके खुश रह सकते हैं। ये जो है ये माता जी कह रही हैं। आवाज तो खैर नहीं आ रही होगी, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस वूमेन है यूएस में, अभी शायद बहुत बड़े किसी पद में पहुंच गई है। यहाँ पे बता रहे, इफ वी एक्सेप्ट एग्जाम इन साइंस देन व्हाई व्हाई कांट वी एक्सेप्ट द वैदिक। तो जब हम जो है जो जब हम साइंस की फिलोसफीज को, जो थ्योरीज है विज्ञान की, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, तो वैदिक थ्योरीज को क्यों स्वीकार नहीं कर सकते, ये पूछ रहे हैं। बताइए, डेफिनेशन ऑफ द इमेजिनरी यूनिट है ना, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी, द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस टाइप के बारे में जो है। इंस्टीट्यूशन फॉर वैदिक नॉलेज, वैदिक नॉलेज प्राप्त करने का जो है सही जो है माध्यम क्या है, सही इंस्टीट्यूशन, सही जो है वो क्या कहते हैं उसे, विश्वविद्यालय और अध्ययन परिसर जो भी हो, क्या क्या है। तो बेसिकली चार वैष्णव संप्रदाय बताए गए हैं हमारे कल्चर में, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, है ना। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य, निम्बार्क स्वामी, ये लोग जो है वो इन इन संप्रदाय को, वैष्णव संप्रदाय को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से हमारा कौन सा है, ब्रह्म संप्रदाय है ना, जिनके जो है आचार्य कौन है, माधवाचार्य। ठीक है, ये ऑथराइज्ड है, जैसे यहाँ बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के पहले श्लोक, पहले पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान बता रहे हैं कि मैंने जो है वो अपना जो ज्ञान है वह सबसे सर्वप्रथम ब्रह्मा के हृदय में उसे प्रकाशित किया। ठीक है, दिस वैदिक विजडम कम डाउन इन द डिसाइपलिक सक्सेशन थ्रू अ चेन ऑफ गुरुज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। तो ये जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से वो आता है। ठीक है, नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो है ब्रह्मा जी ने, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने माध्वाचार्य को, माध्वाचार्य से गुरु शिष्य परंपरा माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से सिक्स गोस्वामी और श्री निवास आचार्य कविराज गोस्वामी, और इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर, चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, किशोर दास बाबा, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आ तो रही है, हरे कृष्णा, अभी आया। एक बार फिर से इस वीडियो को देखते हैं जिसमें श्रील प्रभुपाद जो है गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बता रहे हैं। यू हैन गॉट टू मैन्युफैक्चर समथिंग, आप जो है कुछ भी नहीं बना सकते स्वयं से, जो है जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी को हम रिपीट करते हैं। ठीक है, जो पुराने जो हमको बताया गया है, जैसे कृष्णा ने जो है वह ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, अरे आवाज, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी ने व्यास देव को, व्यास देव ने मध्वाचार्य को यह ज्ञान बताया, मध्वाचार्य ने जो है
माधवेंद्र पुरीपाद, इस पर मध्वाचार्य से जो है परंपरा आई माधवेंद्र पुरीपाद तक, माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से सिक्स गोस्वामी से श्रीनिवास आचार्य, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और उसके पश्चात फिर नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, और फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद। सेम चीज जो है, सेम थिंग, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से फिर जो है वो उनके जो डिसाइपलिक सक्सेसन, उनके जो शिष्य हुए उनको यह ज्ञान जो है प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से जो है ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है वो इसका फाउंडेशन हुआ, है ना। तो सरल यही है कि जो है हमको अपने गुरुओं के द्वारा जो बताया जा रहा है उसे हम स्वीकार कर लें, क्योंकि अगर हम इन्वेंशन करने के लिए लगेंगे तो पहले तो हमारी इंद्रिया जो है वो अपूर्ण है, और खुद से ही खोजबीन करने लगे तो हमें जो है कई जन्म लेना पड़ेगा, है ना। एक जीवन में जो है हम इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इवन श्रीमद् भागवतम को ही पढ़ने में लोगों की हवा निकल जाती है ना। तो ये चीज है, 5,000 साल पहले जो है व्यास देव जी ने भगवान के जो है कहा गया था, भगवान की जो इनकारनेशंस है, भगवान की लीलाओं के बारे में लिखा कलयुग के लोगों के लिए, वेदास की रचना की और श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो इस प्रकार से है, श्रुति और स्मृति के बारे में बताया जाता है, वैदिक नॉलेज को श्रुति के द्वारा और स्मृति के द्वारा। श्रुति मतलब कि सुनना, और स्मृति मतलब कि जो बताया जाता है गुरुओं के द्वारा वो डिसाइपलिक सक्सेशन से प्राप्त करना। जैसे कि हम श्रुति क्या क्या है, वेद है, उपवेद है और वेदांग है, स्मृति में है अनुष्ठान, तंत्र, पंचरात्र, पुराण, इतिहास, षड़ दर्शन, और उसके बाद फिर आगे जो है वो उसके अलग अलग खंड होते हैं। तो वैदिक नॉलेज प्राप्त करने के ये दो विधियां हैं, ठीक है। बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना आप, उसमें बताया गया है, भूल गए क्या? हाँ देख लो, जो जो पढ़ रहे हैं वो लोग देख लीजिए, इसको ध्यान से काम आएगा आपके, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं गौड़ी संप्रदाय, अवर टीचिंग्स आर ऑथोरिटेटिव, प्योर एंड सेफ टू एक्सेप्ट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन वर्क्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा कमिंग इन द ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। तो यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं, जो राधे श्याम प्रभु जी बता रहे हैं कि हमारी जो टीचिंग्स है वो जो है वो क्या है, पूरी तरह से शुद्ध है और सुरक्षित है, और ऐसे हम जो है वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं पर जो है वो आधारित है, जो कि क्या है भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और वो जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से आते हैं, ऑथराइज्ड डिसाइपलिक सक्सेशन, ऐसे ही अपने से उत्पन्न होके नहीं आए हैं कि मैं गुरु हूं मेरे तुम शिष्य बन जाओ, ऐसा नहीं है। उनके गुरु थे, उनके गुरु के गुरु थे, उनके गुरु के गुरु के गुरु थे। जैसे कि 2 + 2 = 4 होता है, आपको कैसे पता, किसने बताया? टीचर ने। आप टीचर के पास जाके पूछे क्या, मैडम बताइए 2 + 2 = 4 ही क्यों होता है, 5 क्यों नहीं होता? तो वो नहीं बता पाएंगे, उसके लिए पीएचडी लेवल का स्टडी करना पड़ेगा, है ना। वैसे ही ये भी जो है वो डिसाइपलिक सक्सेशन है, खुद से इन्वेंशन करने से अच्छा है कि जो गुरु, प्रामाणिक गुरु जो कह रहे हैं उसे मान लिया जाए। हमारी गलती ये है कि हम हर चीज में जो है वो प्रश्न उठा देते हैं, भगवान क्यों है, भगवान कौन है, भगवान है कि नहीं, भगवान को दिखाओ। तो भाई इतना खोजबीन करने की जरूरत क्या है ना। गुरु ने बताया, श्रील प्रभुपाद ने बताया, इतनी सारी बुक्स लिख कर दी, आप पढ़िए और समझिए और जानिए और नॉलेज लीजिए, है कि नहीं। और मैनुअल जो है, अल्टीमेट जो मैनुअल ऑफ लाइफ है श्रीमद् भगवद गीता, उसको स्टडी कीजिए और प्रसन्न रहिए, दैट्स इट, इतना ही करना है। जैसे कि हमारे भक्त लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो सिक्स ब्लाइंड मैन जो स्टार्टिंग में हमने दिखाया था, तो इसका उत्तर ये निकलता है कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि वह क्या है, खुद से अनुमान लगाने से अच्छा है कि किसी के शब्दों पर भरोसा कर लिया जाए, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकते, क्यों?
हमारे शरीर में चार प्रकार के दोष हैं, इंद्रियों में दोष है। क्या क्या? हम जो है वो, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम भ्रम में रहते हैं, हम गलतियां करते हैं, और हमारे अंदर जो है धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो उससे अच्छा है कि हम एक ऑथराइज्ड पर्सन से जाकर पूछ ले कि ये क्या है, तो व्यक्ति वो जो है इन अंधे लोगों को बता सकते हैं कि ये हाथी है। वैसे ही जो हम जो अज्ञान के अंधकार में हम किसी गुरु के पास जाएंगे तो वो हमें बता सकते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। पार्ट ऑफ ट्रुथ, ये जो ट्रुथ है वो पार्ट पार्ट में है, और ये जो है वो पूरा सत्य है। ठीक है, जैसे कि साइंटिस्ट लोग ही खुद इन्वेंट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, और उसके बाद फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो उस इन्वेंशन को खारिज कर देता है, फिर नया इन्वेंशन आता है। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स में तीन लॉज है, नियम है ना, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 1, 2, 3। अब तीसरे लॉ के बाद एक और लॉ इस इन्वेंट हुआ, तो उन लोगों ने देखा कि अरे इसको तो पहले वाले लॉ के पहले इन्वेंट होना चाहिए था, फर्स्ट लॉ के पहले आना चाहिए था, तो उसको चौथा लॉ ना बना के जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना दिया। है कि नहीं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक में तीन लॉ नहीं है, तीन नियम नहीं, चार नियम है, लेकिन उन गिनती में चार नहीं, एक जो है वो तीसरे के बाद चौथा इन्वेंट हुआ, लेकिन वो फर्स्ट के पहले होना चाहिए था, तो उसको जीरोथ लॉ बना दिया। तो ऐसा इन्वेंशन होता है ना। तो हमको इतना खोजबीन करने की, हमारा जो दर्शन शास्त्र है, हमारे जो शास्त्र है उसमें इतना खोजबीन करने की है ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो आजकल के जो लेखक है, जो डिस्टॉर्टेड वर्जन जो है हमारे शास्त्रों का प्रदर्शित करते हैं, वो सब में जाने की जरूरत नहीं है। एक प्रामाणिक गुरु के पास जाइए, उनसे प्रश्न करिए, वो आपके सारे डाउट्स का जो है वो क्लियर करेंगे, है ना। बहुत सारे लेखक ऐसे उपन्यास लिखते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिसर्च करके लिखते हैं, और लोगों को भटका रहे हैं, है ना। खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों से तो हम खासा परेशान हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा? थ्री वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि जो है हम अपने इनपरफेक्ट सेंसेस से देखते हैं, फोर डिफेक्ट्स है हमारे अंदर। अनुमान प्रमाण में क्या है कि हम जो है वो अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि वो प्लेग वाला जो अनुमान लगाया था बिल्ली, तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, लोग और मरने लगे, और अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक हो सकता है। उसके बाद शब्द प्रमाण के बारे में हमने देखा, शब्द प्रमाण जो है वो वैदिक त्रुट है, चार संप्रदाय हैं और ब्रांचेस ऑफ वेदास हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है डिस्कवर योर सेल्फ का थर्ड सेशन था, जिसके इस सेशन के डिजाइनर, कोर्स डिजाइनर है इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी, जो NVCC इस्कॉन पुणे के प्रेसिडेंट हैं। तो हम जो है उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तो उनके द्वारा बनाए हुए स्लाइड से हम जो है बोल पा रहे हैं और आपको समझा पा रहे हैं। तो आप सभी भक्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।